आज देश में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन बेरीनाग में इसकी शुरुआत कांडे गांव में 6 दशक पूर्व बेरीनाग ग्राम स्वराज मंडल सर्वोदय संस्था ने कर दी थी। संस्था इस क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को स्वरोजगार देने के साथ ही उनको संसाधन भी मुहैया करवाती थी, लेकिन आज ये संस्था अपनी बदहाली के आंसू बहा रही है। सर्वोदय संस्था में 70 के दशक में सिलाई, कताई, बुनाई, रिंगाल उद्योग, लीसा प्लांट, आरा मशीन सहित कक्षा 8 तक का स्कूल भी यहाँ पर था। किरोली के ग्रामीणों ने 35 नारी भूमि संस्था को काम करने के लिए लीज पर दे दी थी। तब यहाँ पर 35 गाँव को गोद में लिया गया था। विश्व बैंक ने संस्था को मदद की। स्वरोजगार और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए उस समय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी संस्था को सम्मानित किया था। ये बहुत पुरानी संस्था थी और इसमें यहाँ के मतलब ग्रामीणों को रोजगार मिलता था। आज की देखरेख के कारण मतलब जो है ये जीर्ण पड़ा हुआ है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो ये फिर दोबारा मतलब इसको किया जाए जिसमें स्वरोजगार मिल सके सबको। साल 2007 में संस्था की नींव रखने वाले प्रसिद्ध समाज सेवी सदन मिश्रा ने स्वास्थ्य खराब होने के कारण यहाँ पर काम छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ की हालत बिगड़ने शुरू हो गए। 6 दशकों से चली आ रही संस्था का बुरा दौर वहीं से शुरू हो गया। क्षेत्र के कई लोगों को इसकी बागडोर दी गई, लेकिन वो उसे मुकाम तक नहीं पहुँचा पाए। धीरे धीरे ये संस्था अपना दम तोड़ने लगी। यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति पर चोरों और माफियाओं की नजर पड़ गई। आज करोड़ों की संपत्ति देख रेख के अभाव में बर्बाद हो रही है। तो जैसे प्रधानमंत्री अपने स्वरोजगार योजना चला रहे हैं, तो लोगों को जो लॉकडाउन के बाद काफी लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो स्वरोजगार चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्वरोजगार पहले से मिलता था सस्ता किसी कारणवश बंद हो गई थी, तो उसके बावजूद फिर यहाँ पर इसकी देखरेख न होने से यहाँ चोरी अगरह वगैरह इस टाइप से होने लगी। तो देखरेख न होने से सारी यहाँ की जैसे ईंट है, बिल्डिंग है, सीमेंट है, दीवार है, और जो यहाँ पर आरा मशीन अगरह वगैरह लिसाई बनता था, स्कूल चलता था सर्वोदय नाम से, तो ये सब कुछ खत्म हो गया है। तो स्वरोजगार जहाँ मिलना था वो कम होने लगा है। वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर देने के साथ ही प्रदेश में स्वरोजगार की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। लेकिन यदि इस क्षेत्र में संस्था के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए तो रोजगार के क्षेत्र में भी यहाँ पर आत्मनिर्भरता देखी जा सकती है। संवाद 365 के लिए बेरीनाग से प्रदीप महारा की रिपोर्ट।